व्हाट्सएप, व्हाट्सएप के अंदर इतने सारे फीचर्स आ चुके हैं जो कि हर लोग यहां पर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि व्हाट्सएप के अंदर क्या नया आया है इस बार। तो व्हाट्सएप के जितने भी नए फीचर्स आते हैं वो आपको सबसे पहले मिलता है बीटा में, और बीटा प्रोग्राम एनी टाइम फुल रहता है। मेजोरिटी ऑफ द लोगों को बीटा प्रोग्राम के बारे में नहीं पता है। बीटा प्रोग्राम वो होता है जहां पर आपको सबसे पहले सारे फीचर्स को टेस्ट करने के लिए दिया जाता है। इन शॉर्ट आप वो लकी बंदे होते हैं जिसके पास सबसे पहले लैंड करता है वो सारे नए फीचर्स, उसके बाद पब्लिकली रोल आउट किया जाता है। लेकिन अगर व्हाट्सएप बीटा की हम बात करें, गूगल प्ले स्टोर पे वहां जाने के बाद बीटा प्रोग्राम फुल बताया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पे व्हाट्सएप बीटा में आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं फुल होने के बावजूद भी। आई स्टिल रिपीट, बीटा प्रोग्राम फुल होने के बावजूद भी आप कैसे यहाँ व्हाट्सएप बीटा प्रोग्राम में अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। यहां तक अगर पहुंच गया तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए। तो व्हाट्सएप बीटा प्रोग्राम के अंदर भी जैसे रिसेंटली एक नया अपडेट आया है और नया फीचर मैं बोलूंगा, वो फीचर के अंदर ऐसा है कि अगर आप कोई भी मैसेज किसी को भेज देते हैं तो उसे आप एडिट कर सकते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं, अभी तक रिकॉल का फीचर था, डिलीट फॉर एवरीवन वाला फीचर था, अभी फीचर आया है कि यहां पर आप कैसे उसे एडिट कर सकते हैं। मतलब आपने लिखा हाय हाउ आर यू तो आप उसको चेंज कर सकते हैं पूरा का पूरा अपने मैसेज को भेजने के बाद भी। तो वो मिलता है व्हाट्सएप बीटा प्रोग्राम के अंदर। उसके लिए सबसे पहले करना क्या होगा, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वहां पर चेकआउट कीजिए कि आपका कौन सा ईमेल आईडी इस्तेमाल हुआ है गूगल प्ले स्टोर के अंदर। वहां पर जो ईमेल आईडी है, जब आप व्हाट्सएप सर्च कीजिएगा तो आपको बीटा प्रोग्राम फुल ही बताने वाला है। तो वो ईमेल आईडी को सिर्फ ध्यान में रखिए, वापस से अपने गूगल क्रोम पे जाइए या फिर गूगल सर्च पे जाइए, वहां पे आपको सर्च करना है व्हाट्सएप बीटा रजिस्टर। तो पहला वाला जो आता है गूगल प्ले वाला, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक ऑप्शन, एक पेज ओपन होगा जहां लिखा होगा बिकम ए बीटा टेस्टर। लेकिन रुकिए, जल्दीबाजी नहीं करना है। अगर मल्टीपल ईमेल्स आप इस्तेमाल करते हैं अपने मोबाइल फोन में तो वहां पर शायद चेंज हो गया होगा। तो यहां आपको वापस ऊपर में कॉर्नर में जो आपका ईमेल आईडी का जो आइकन दिखता है गोल सा, उस पर क्लिक करना है और वो सही वाला ईमेल आईडी आपको यहां पे चूज करना है जो गूगल प्ले स्टोर के अंदर था। तो टेक्निकली यहां पर अब जैसे बिकम बीटा टेस्टर पे आप क्लिक कर दीजिएगा तो वहां ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो अपडेट आपको नहीं शो हो रहा था गूगल प्ले स्टोर के अंदर में, वहां पर बीटा वाला अपडेट आपको दिखने लगेगा। बस ये बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, उसे अपडेट कर लीजिए और अब आपका व्हाट्सएप बीटा में कन्वर्ट हो चुका है बीटा प्रोग्राम फुल होने के बावजूद भी। बहुत ही सिंपल एंड इजी मेथड्स है। इस मेथड से आप अपने व्हाट्सएप को बीटा में रजिस्टर कीजिए और नए नए अमेजिंग फीचर्स और फंक्शनैलिटीज जो व्हाट्सएप रिलीज करता है बीटा प्रोग्राम के अंदर, उन सारे फीचर्स का मजा लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।